अगर आपको पता चले। फुर्सत की सलाह में मेरे पास एक किताब है जो मैंने पढ़ी है इन दिनों, समस्तीपुर और अन्य कविताएं, कवि अमिताभ का कविता संग्रह है 3SS कलेक्टिव से जो छपा है ये, और हिंदी कविता संग्रह है। सुंदर कविताएं हैं इसमें, ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर कविताएं पढ़ने का शौक़ है, क्योंकि मुझे शौक़ है तो मैं पढ़ता रहता हूं कविताएं, कई कई बार री रीडिंग कर लेता हूं बहुत लंबी लंबी, तो इसमें है कविताएं हैं। कविता पढ़ने के नाम पे भी इतना ही है, क्योंकि घूमना इधर बीच काफ़ी रहा है। मैं एक बार राजस्थान गया, तो एक बार छत्तीसगढ़ गया, तो एक बार बंगाल गया, अभी कहीं और जाना है, फिर बीच बीच में जमघट के इंटरव्यूज़ थे 2-3, तो वो सब भी किया, तो पढ़ने का वक्त इधर बीच काफ़ी कम मिला, बहुत कम मिला। तो ये पढ़ना लिखना है, देखा जो वो बता देता हूँ। मैंने देखी डांसिंग ऑन द ग्रेव, ये उपलब्ध है प्राइम वीडियो पे, अमेज़न प्राइम पे, और इंडिया टुडे ओरिजिनल्स और प्राइम वीडियो ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। ये है श्रद्धानंद और शेखर नवाजी के ऊपर, जिनको उनको उनकी उनके उनकी हत्या करके उनको दफन कर दिया गया था, और श्रद्धानंद जो उनके पति थे, उनके दूसरे पति, उन पर ये केस चला था। फिर केस भी सब तमाम कहानियाँ जो पूरे केस की सीरीज़ है, जो और क्राइम डॉक्यूमेंट्री जो है, क्राइम डॉक्यू सीरीज़, ये है प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। इस तरह की डॉक्यू सीरीज़ कई सारी नेटफ्लिक्स पे पहले आई थी, अब लेकिन प्राइम वीडियो पे आने लगी हैं। तो इसका नाम है डांसिंग ऑन द ग्रेव, ये हाल ही फ़िलहाल मैंने देखने की कोशिश है। आप भी देखिए, मुझे भी बताइए, मैं और भी इसको देखूँगा, क्योंकि इसके ट्रेलर वगैरह जो भी मैंने देखे हैं तो प्रॉमिसिंग काम लगा मुझे। रिचमंड टाउन, इट्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ बैंगलोर सिटी, अ पॉश लोकेलिटी इफ यू मे कॉल इट। द होल रिचमंड टाउन डिड नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड। चाकरी गई तो गई कहां। शी रियली वाज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर एंड सच अ ब्यूटी क्वीन, multi-millionaire, granddaughter of the Diwan of Mysore, Akhil Akbar Khalili and Adi Shakre got married. She had 4 beautiful daughters. Sabah, the second daughter, knew of her mother's blind craving for a male child. My mother, within 6 months of her divorce, married Swami Shratthana. I never thought what would happen would happen. She used to call me 2-3 times a day, and suddenly one day no calls. Woman machine complaint 1991 mein report hua. The case was dead. Sabab chose not to believe and refused to give up the search. Strong needle of suspicion which was pointing towards Shraddhanand. Mera naam Swami Shraddhanand hai. This was an image of a god man. This man is danger to society. He should remain behind bars. It becomes the rarest of rare case. He's an animal. He's not a man. उस ताबूत के अंदर हजारों नाखून के निशान थे। She was alive when he married her. There is an inherent lacuna in this particular case. It was a case of mistrial. We knew papers of property transferred to his name. A foolproof case of murder for gain. Actually, a remarkable case because there is no evidence. Cruel man, scheme. She was a mother too. Like I'm a mother, she was a mother. Apparently, the maid says parties on her grave. मैं बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है वो सफेद झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद नंबर है फराज का। फराज मैंने देखा नेटफ्लिक्स पे, हंसल मेहता के यहाँ से निकल कर आई है और बांग्लादेश में एक कैफे में शूट आउट हुआ था, उसकी पूरी कहानी है फराज। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं साउंड ऑफ मेटल, ये है प्राइम वीडियो पे, ऑस्कर नॉमिनेट भी हुई थी, शायद ऑस्कर मिला भी था इसको। एक ड्रमर की कहानी है, रॉक ड्रमर है, रॉक ड्रमर बहरा होने लग रहा है, बहरा हो गया है अचानक से, और बहरा हो गया है, उसके बाद वो ऑपरेशन करा रहा है उसकी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, और ऑपरेशन के बाद तमाम चीज़ें हैं उसकी, जो पूरा स्ट्रगल है उस ड्रमर का, तो वो देखने लायक है। साउंड ऑफ मेटल
नेटफ्लिक्स पे एक छोटी सी सीरीज़ है, सुंदर सी सीरीज़ है, दोबारा देखी मैंने आफ्टर लाइफ। और आफ्टर लाइफ आप ज़रूर देखिए। आफ्टर लाइफ एक व्यक्ति की कहानी है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है एक असाध्य बीमारी से, उसके बाद वो अकेला जीवन जी रहा है, वो गुस्सैल हो चुका, गुस्सैल तो नहीं, रूढ़ हो चुका है बहुत, और किसी चीज़ से चिढ़ जाता है जल्दी, कोई भी जवाब दे देता है किसी को भी, और उसकी लाइफ कैसे आगे बढ़ती है उस व्यक्ति की। तो आफ्टर लाइफ ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, ये देख लीजिए। और एक उसके अलावा नेटफ्लिक्स पे ही मैंने कार्टून देखना शुरू किया है, स्पिरिट घोड़ों पे है, मज़ेदार है, ये भी देख लीजिए। तो और नेता नगरी का ये अंक बस इतना ही, अगले हफ्ते मिला जाएगा हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए रिकमेंडेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए सवाल के साथ, नए जवाब के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।